नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। तो नवग्रह हर किसी के जीवन को प्रभावित करते हैं, ऐसे में आज हम कार्यक्रम में जानेंगे नवग्रह दोष शांति के उपाय, साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। दुर्भाग्य को कैसे बदले सौभाग्य में, दरिद्रता से कैसे मिले छुटकारा, जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से नवग्रह शांति के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, हार्दिक स्वागत है आपका। नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है फागुन का और फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। सोमवार का दिन है, नक्षत्र है अश्विनी, योग है शुक्ल और करण है बालव। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल और आज का दिन आपका लोगों का कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोग, आज की दिनचर्या में आप अपने खोए हुए आत्मविश्वास को पुनः दोबारा एक बार फिर से प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि आपकी भावी योजनाओं में आप सफल हो सकें, उनमें आपको किसी भी प्रकार की बाधा का सामना ना करना पड़े। तो आज अपने आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए और निरंतर ऐसे काम को करते रहिए जिससे आपके आत्मविश्वास में, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। चलिए जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको आर्थिक पक्ष पर ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक होगा और अगर आपने किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा किया है तो आज आप यकीन मानिए कि आपका ये निर्णय बिल्कुल ही सही रहने वाला है। आपको किसी भी प्रकार से कोई धोखे की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने उत्साह में किसी भी प्रकार से कमी मत आने दीजिए। अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन है मित्रों के बारे में सही सोच रखने का और कहीं बाहर घूमना फिरना यदि आप चाहते हैं तो दोस्तों मित्रों के साथ प्लान बना लेना बहुत अच्छा रहने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का आप अनादर ना करें। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। कर्क राशि वाले जातक लोग, यदि आप किसी समस्या में उलझ गए हैं तो चिंता करने से बेहतर है कि आप उसका कोई ना कोई समाधान ढूंढें और किसी, अगर आप योग्य व्यक्ति से, किसी वरिष्ठ व्यक्ति से आप अपनी समस्या का जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे तो काफी हद तक ऐसी संभावना है कि आपको कोई ना कोई सहायता, कोई मार्गदर्शन अवश्य मिल जाएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मा विद्युत माय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का व्यर्थ में दिखावा और व्यय करने से आज बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में घर गृहस्थी की आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए आज बहुत अच्छा समय है। काफी समय से आप परिवार की जिन मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, आज का दिन है कि आप उनकी सभी मांग को, सभी डिमांड्स को आज आप पूरा कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। समय बहुत ही बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ में मत गंवाइए। जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या करें।
कन्या राशि वाले जातक लोगों को शायद आपको किसी चिंता अथवा मानसिक तनाव ने काफी समय से घेर रखा है, तभी आपका मन अपने कामों में नहीं लग रहा, आप अपने परिवार में अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में मन नहीं लगा पा रहे। तो ऐसे में जो भी आपका बहुत करीबी व्यक्ति है उससे अपने मन की बात को, मन की व्यथा को, जो भी चिंता है जिससे आप परेशान हैं उसके बारे में आपको चर्चा अवश्य करनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो दैवीय कृपा के माध्यम से भी आपका मार्गदर्शन अवश्य होगा। किसी भी काम को करने में बहुत ज्यादा उत्सुकता मत दिखाइए। अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोग, आज की दिनचर्या में आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी जुड़ चुके हैं जो आपको निरंतर दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं, आपके कार्य को, आपके व्यापार को, आपकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करने के प्रयास में हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सचेत और सतर्क रहना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ये समय निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। चलिए जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या नहीं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी धार्मिक सामाजिक नेक कार्य को करने का अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। आप धर्म कर्म में आज ज्यादा संलिप्त रह सकते हैं, ऐसा लक्षण बनता है। धन से जुड़ा कोई भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, कोई बहुत बड़ा निर्णय आज आपको नहीं करना चाहिए। जितना हो सके पैसे के लेन देन से, रुपए पैसे के लेन देन से आज आपको स्वयं को दूर रखना है, अपने आप को दूर रखना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बीजापुर फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। खराब स्वास्थ्य को आप नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता यह है कि आज की दिनचर्या में आप एक समय में एक ही काम करें। कई सारे काम, कई सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेकर के आप स्वयं परेशान हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसे में एक बार में एक काम को, एक जिम्मेदारी को ही आप अंजाम दीजिए। अपने स्वास्थ्य का, अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। जरा सी भी लापरवाही लंबे समय तक आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या दे सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये जानते हुए अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत आप चेकअप करा लें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य की रुकावट से तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में रिस्क लेने का दिन नहीं है आपके लिए। काम के साथ साथ परिवार को भी आपको उचित समय देना है। आज की दिनचर्या में अगर आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे तो ये संभावना बनती है कि आपस में तनाव बढ़ता जाए, दूरियां बढ़ती जाएं। तो आज इस तनाव को, इस दूरियों को कम करने की आवश्यकता है और किसी भी प्रकार का जोखिम आज आप मत उठाइए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य में अवरोध आने से मन को निराश मत करिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में ऐसा भी हो सकता है कि जो आप नए कार्य को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे, आज अगर आप उस कार्य को फिर से एक बार पूरा करने का प्रयास करेंगे तो आपको काफी अच्छी सफलता मिल सकती है। उस काम को बनाने की दिशा में आप काफी आगे तक जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, काम बहुत आवश्यक है, तो फिजूल की बहस में किसी व्यक्ति के साथ ना पड़े, अन्यथा आप अपने जरूरी कामों की तरफ से भटक जाएंगे, विमुख हो जाएंगे। काम को सफल बनाने में, शुभ लाभ पाने में आप वंचित रह सकते हैं। तो व्यर्थ के वाद विवाद और बहस में पड़ने से बचना है। ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो दिन का बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा न बनाए। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अपने आसपास बड़े बुजुर्गों से जितना भी आप सीख सकें आपको सीख लेना चाहिए। कार्यक्षेत्र में अगर आप अच्छा लाभ व परिणाम चाहते हैं तो आपको अपने टीम के साथ की आवश्यकता पड़ेगी, तो एक टीम के साथ, एक यूनिट के तौर पर काम करें, बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है आज के दिन में। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। रुपए पैसे के लेन देन में आपको सचेत रहना चाहिए। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे नवग्रह शांति के आसान उपाय। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब जानते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज हम लोग ऐसी समस्या पर चर्चा करने वाले हैं जिससे हर व्यक्ति परेशान है और इस समस्या के जितने समाधान जाने जाएं, बताए जाएं, किए जाएं वो कम होते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं नवग्रहों की शांति के कुछ और सरलतम उपाय। नवग्रहों से संबंधित उपाय हम आपको निरंतर बताते रहते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पुनः एक बार कैसे हम लोग नवग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। जानेंगे कुछ ऐसे उपाय जो दरिद्रता और उसके साथ साथ दुर्भाग्य को कैसे आप दूर कर सकते हैं। सौभाग्य बढ़ाने के कुछ पारंपरिक, कुछ हमारे संस्कारों में रचे बसे सरल से उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे अंतरिक्ष में फैले सौर मंडल के नौ ग्रहों का धरती पर स्थित सभी प्राणियों, यहां तक कि जल, वृक्ष, वायु, पेड़ पौधे इत्यादि पर भी, प्रकृति पर भी उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना हमारे शरीर पर पड़ता है। ज्योतिष की गणना के अनुसार प्रत्येक जातक का जन्म किसी न किसी लग्न में दशा, महादशा, अंतरदशा तथा प्रत्यंतर दशा के प्रभावों का प्रभाव हमारे ऊपर निश्चित ही पड़ता है। इन्हीं दशाओं में हमारा जन्म होता है। लग्न, जन्म राशि तथा नाम राशि से चौथे, आठवें, बारहवें स्थान की स्थिति का प्रभाव भी सभी व्यक्ति पर पड़ता है। नवग्रहों के दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए कई उपाय हमारे धर्मशास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्रों में बताए गए हैं जिनका विधि विधान से पालन यदि किया जाए तो अवश्य ही लाभ मिलता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सूर्य ग्रह की शांति के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य देव को जल देना, आदित्यदय स्रोत का पाठ करना, माता पिता की सेवा करना और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि सूर्य देव को जल देना आवश्यक होता है तो तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल में थोड़ा सा रोली, अक्षत और लाल पुष्प के साथ साथ दो बूंदें गुलाब जल की डाल करके अगर आप अर्घ देते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए देते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। सोना, तांबा तथा चीनी, गुड़ और गेहूं का दान करना, लाल वस्त्र का दान करना भी बहुत लाभकारी है। सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए जिन लोगों की कुंडली में सूर्य खराब हो और रविवार का व्रत करना चाहिए। आपको ध्यान ये रखना है व्रत में कि नमक का आपको कम से कम उपयोग करना है। मीठी चीजों का प्रयोग करते हैं रविवार के व्रत में, नमक का त्याग करना चाहिए। परिवार में और आपके आसपास जो भी बुजुर्ग आपको मिले उनका आप सम्मान करें। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आपको भागीदारी अपनी निभाती रहनी चाहिए। धर्म कर्म इत्यादि करते रहें, दान दक्षिणा जो है देते रहना चाहिए। ये तो बात रही सूर्यदेव के दोष निवारण की, आइए जानते हैं चंद्रदेव की शांति के लिए आप क्या करें। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा खराब हो उनको महादेव की पूजा आराधना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और पानी वाला नारियल, जल वाला नारियल जिसको हम लोग पूजा में प्रयोग में लेते हैं, जूट वाला नारियल, वो एक नारियल लेकर के सफेद चंदन तथा चांदी का चंद्रमा बनवा करके इसके साथ कुछ बिल्वपत्र, सफेद मिष्ठान भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के आप अर्पित करके आए, उनको इन सभी चीजों का भोग अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखने वाली बातें आपके लिए ये हैं कि सोमवार का आपको खासतौर पर व्रत करना है। प्रयास करना चाहिए कि आप कम से कम 8 या 16 सोमवार व्रत कर सकें। इसके साथ साथ सफेद वस्त्र का दान करें, पहाड़ों की यात्रा करें तथा अपनी माता स्वमाता के चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद आप निरंतर प्राप्त करें। इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए, बहुत अच्छी आदत होगी। रोज सुबह उठें और उसके बाद माता का चरण स्पर्श करें तो आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद अब बात आ जाती है मंगल की शांति की। जिन लोगों की कुंडली में मंगल की अशुभ स्थिति है उन्हें हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी को चमेली के तेल का चोला अर्पित अगर आप करते हैं, चमेली के तेल और सिंदूर को मिला करके, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कहीं कहीं किसी किसी मंदिरों में, किसी स्थान विशेष में चमेली के तेल के जगह पर शुद्ध घी या तिल के तेल का प्रयोग भी करते हैं। तो जैसी जहां की मान्यता हो, जहां चमेली का तेल प्रयोग करते हो वहां चमेली के तेल और सिंदूर का दान करिए। जहां शुद्ध घी का प्रयोग में आता है तो आप शुद्ध घी और सिंदूर का दान कर सकते हैं और उसके साथ साथ मंगल स्त्रोत का पाठ करें, ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं या हनुमान जी से संबंधित जितने भी मंत्र या स्तुतियां हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक, हनुमानाष्टक, इन चीजों का पाठ आपको करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ बहुत अच्छा लाभ देता है। इमरती, जलेबी, बूंदी तथा चूरमे का, गेहूं के आटे और गुड़ का या शक्कर के साथ बना हुआ चूरमे का प्रसाद हनुमान जी को आपको मंगलवार के दिन भोग लगाना चाहिए।
आपके लिए ध्यान रखने योग्य बातें ये है कि अपने कुटुंब सहयोगियों से आप बैर ना करें, खासतौर पर सगे भ्राता के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद आपको नहीं करना चाहिए। उसको जितना आप सम्मान देंगे, जितना स्नेह प्यार देंगे, उतना आपका मंगल ठीक होगा, क्योंकि मंगल परिवार में भाई का प्रतिनिधित्व करता है। मंगलवार का व्रत करना आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देता है, और जिस प्रकार से रविवार के व्रत में नमक नहीं खाते, ठीक उसी प्रकार मंगलवार के व्रत में भी नमक की वर्जना बताई जाती है। अब बारी आ जाती है बुध ग्रह की। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी ना हो, तो बुध ग्रह की शांति के लिए माँ दुर्गा और भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए। हरे मूंग भिगो करके पशु पक्षियों को अपने हाथों से आप ये डालना डालें, और अगर आप गौ माता को अपने हाथों से ये दाना खिलाते हैं या पालक या हरा चारा आप गाय को खिलाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। पशु पक्षियों से लेकर के आपको तोतों को जब भी आप कहीं देखते हैं कि वो पिंजरों में है, तो जो पशु बेचने वाले हैं, पक्षी बेचने वाले जो होते हैं, उनसे बहेलियों से आप लेकर के जो भी कैद में पक्षी हैं उनको लेकर के आपको स्वतंत्र कर देना चाहिए। अपने घर में अगर आप एक हरा तोता पाल सकते हैं तो बहुत अच्छा होता है। पैरट अपने घर में रखना चाहिए और समय समय पर उसे अपने हाथों से आपको कुछ पर्सनली कुछ खिलाते रहना चाहिए, और कुछ समय बाद उसे स्वतंत्र कर दें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ध्यान रखने योग्य बातें आपके लिए ये हैं कि 9 वर्ष से छोटी कन्याओं के पाद प्रक्षालन करके, यानी उनके पैर धो करके, उनको प्रणाम करके, चरण स्पर्श करके उनसे आप आशीर्वाद लें, कुछ उन्हें अपनी तरफ से भेंट और दक्षिणा देते रहें। बुधवार का व्रत करें, मंत्रानुष्ठान हवन करके बुध की अनुकंपा आप प्राप्त करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अब बारी आ जाती है बृहस्पति देवता की। देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों का सम्मान करके उनका आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक होता है। चने की दाल तथा केसर का मंदिर में दान करें आप गुरुवार के दिन, तो आपको फायदा मिलेगा। केसर का तिलक अपने मस्तक पर धारण करें एवं ज्ञानवर्धक साहित्य यानी ज्ञानवर्धक पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें योग्य व्यक्ति को दान करें और स्वयं उसका अध्ययन करें तो भी लाभ मिलेगा। आपके लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको किन्नरों की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। किसी दरिद्र को आप अपनी तरफ से दान दक्षिणा अवश्य करें। भगवान ब्रह्मा का केले से पूजन करें तथा कुल पुरोहित का सम्मान करके आशीर्वाद प्राप्त करें एवं यथाशक्ति स्वर्ण का दान करना चाहिए। ये है गुरु के लिए कुछ विशेष जानकारी जो आपको अवश्य करना चाहिए यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है। तो अब जान लेते हैं शुक्र से संबंधित क्या उपाय कर सकते हैं जिनसे आपकी कुंडली में अशुभ शुक्र का जो दुष्प्रभाव है वो दूर हो जाए। अशुभ शुक्र की स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के लिए कनकधारा स्त्रोत और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। महालक्ष्मी स्त्रोत का आप दैनिक पाठ करें तो आपको फायदा मिलता है। श्वेत और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, आपके लिए सर्वोत्तम होता है। ज्यादा से ज्यादा सफेद, व्हाइट और पिंक कपड़ों का आप प्रयोग करिए। गौ सेवा करें तथा गौशाला में गाय के लिए हरा चारा, गाय के लिए भूसा, गुड़ इत्यादि, चने की दाल, ये सब सारी जो है आप व्यवस्था कराएं, और समय समय पर इन चीज़ों को चने की दाल, गुड़, आटे की लोई अपने हाथ से गाय को आप खिलाते रहें। विशेष रूप से श्री विद्या यानी माँ लक्ष्मी का पूजन करें और कराएं। एकाक्षी ब्राह्मण को कांसे के कटोरे में खीर खिला करके आपको दक्षिणा दे करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। विशेष परिस्थिति में अगर आपको कोई रोग है तो मृत संजीवनी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं या करा सकते हैं, क्योंकि शुक्र के बारे में कहते हैं कि जब शुक्र और बृहस्पति अगर मारक हो जाते हैं तो ये सबसे खतरनाक मार्केश की दशा में माने जाते हैं। आपके लिए ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आप स्वयं परिवार में जो भी स्त्रियां हैं, जो गृहिणियां हैं, उनका आप आदर सत्कार करते रहें, सम्मान करते रहें। अपनी पत्नी का मान सम्मान आप करते रहिए, उनका अपमान किसी भी परिस्थिति में ना करें। संयम से रहें, किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। अब बारी आ जाती है शनि ग्रह के शांति के लिए पीपल वृक्ष की आप पूजा कर सकते हैं, और इसके साथ साथ भगवान भैरव का पूजन करने से शनि देव के दुष्प्रभावों में आपको बहुत अच्छी राहत मिल सकती है। इमरती, उड़द की दाल, दही के बड़े जो है भैरव भगवान को चढ़ाएं, इनका प्रसाद जो है वो आप गरीबों में, अनाथों में वितरित करें। भगवान हनुमान की पूजा आराधना करने से भी शनि के कष्टों से मुक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा तथा सुंदरकांड का आपको नियमित पाठ करना चाहिए। शनि देव की चालीसा और स्त्रोत और मंत्र का पाठ करना चाहिए। आपके लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि मजदूरों को तली हुई खाद्य वस्तुओं का दान आपको समय समय पर करते रहना है, और शनिवार का व्रत आपको करने का प्रयास करना चाहिए। पिता के संबंधियों से, जो पिता के मित्र इत्यादि हैं या पिता तुल्य जो व्यक्ति आपके लिए हैं, जिनको आप चाचा या ताऊ कहते हैं, संबंध के, रिश्ते के माध्यम से भी और जान पहचान के माध्यम से भी,
ऐसे लोगों से आपको बहुत मधुर संबंध रखने हैं, उनका सम्मान करें। शनिवार को तिल के तेल का से उनका अभिषेक, शनिदेव का अभिषेक करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये नवग्रह की शांति के लिए कुछ मैंने आपको उपाय बताए। इसी क्रम में आइए जानते हैं कि राहु की शांति के लिए आप किस प्रकार से उपाय कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में राहु की स्थिति बहुत खराब होती है, उनको माँ सरस्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए। आप माँ सरस्वती के जो भी स्त्रोत हैं इत्यादि, मंत्र इत्यादि हैं, उनका पाठ कर सकते हैं। घर पर बने शुद्ध शाकाहारी भोजन का ही आपको सेवन करना चाहिए। आपके लिए ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि किसी भी प्रकार का बिजली का सामान अपने घर में इकट्ठा ना होने दें, यानी कोई भी अगर खराब हो जाती है कोई इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें तो उससे आप अपने घर में पड़े मत रहने दीजिए। ये राहु का सूचक होता है, वो आपके लिए अशुभता और बढ़ाएगा। और अगर आपको कोई बिजली का सामान, विद्युत उपकरण अगर आपको कोई भेंट में देता है, मुफ्त देता है, उपहार स्वरूप देता है, तो उसे आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। समझ लीजिए कि आप राहु अपने घर में लेकर के आ रहे हैं, मुफ्त में लेकर के आ रहे हैं। और इसके साथ साथ मातृ पक्ष के संबंधियों की सेवा आपको करनी चाहिए। अश्लील साहित्य या फिल्में इत्यादि देखने से बचना चाहिए, इससे सीधे तौर पर राहु आपकी कुंडली में खराब होता है। अब बारी केतु ग्रह की शांति के लिए। केतु ग्रह की शांति के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना करने के साथ साथ गणेश जी की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। बच्चों को, छोटे बच्चों के बीच में केलों का वितरण या कुछ मिष्ठान का, टॉफी चॉकलेट्स का वितरण थोड़े थोड़े समय पर करना चाहिए। और किसी धर्मस्थल पे आप एक ध्वजा अर्पित करें, ध्वजा चढ़ा दें, झंडा चढ़वा दें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आपके लिए ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई, सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं तो आपको फायदा मिलेगा। कुत्तों को कभी भी आपको क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, उनको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। अक्सर लोग लात से मार के हटा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर आ सकता है। तो ये तो बात रही नवग्रहों की शांति की। आइए अब जानते हैं दरिद्रता और दुर्भाग्य को आप किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। सौभाग्य बढ़ाने वाले कुछ सरल से उपाय हम जानते हैं जो पारंपरिक हैं, हमारे संस्कारों में रचे बसे हैं। हर व्यक्ति धन कमाने का प्रयास करता है, कुछ व्यक्ति सफल तो हो जाते हैं पर कुछ प्रयास करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते। आज हम ऐसे ही कुछ सरल उपाय आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें आजमाने से आपको अवश्य ही शुभ फल प्राप्त होगा और जीवन में ये जो असफलता का दौर चल रहा है उसे आप पीछे छोड़ देंगे। आपको करना ये चाहिए कि भोजन करने से पहले सबसे पहला ग्रास गाय के लिए और उसके बाद दूसरा ग्रास एक कुत्ते के लिए, श्वान के लिए अवश्य निकालना चाहिए। और इसी को आप दूसरे तौर पर ये ले सकते हैं कि गृहिणियां जब घर में रोटी बनाती हैं तो पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी, अंतिम रोटी अगर आप कुत्ते के लिए निकाल देते हैं तो परिवार के हर सदस्य को अपने खाने में से, खाने से पहले एक बार नहीं निकालना पड़ेगा, वो सामूहिक रूप से चला जाता है। अन्यथा आपको अपनी थाली से हर दिन निकालना चाहिए, इसे एक संस्कार बना लेना चाहिए। आपको कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप इस कृत्य को अपने जीवन में लगातार प्रयोग में लेते रहेंगे। गौग्रास निकालना शुरू से ही हमारे संस्कारों में बहुत महत्व रखता रहा है, आज हम लोग इन बातों को भूल गए हैं, इस वजह से हम लोग परेशान होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक गुरुवार को तुलसी के पौधे में कच्चे दूध का, थोड़ा से कच्चे दूध का अर्घ आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे आपके परिवार में सुख और संपन्नता बनी रहती है, संपन्नता में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष की पंचमी को घर में श्री सूक्त की ऋचाओं का पाठ करके उससे आहुतियां देने से भी घर में दरिद्रता कभी नहीं आती है, दरिद्रता अगर है भी तो वो दूर हो जाती है। इसके अलावा दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि हर महीने के आरंभ में शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को आपको करना यह है कि रात में कच्ची हल्दी की एक गांठ को बांध करके भगवान श्री कृष्ण को आप अर्पित करें। उस गांठ को आप हरे या पीले कपड़े में बांध दें, अगले दिन उसे पीले धागे में बांध करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण कर लें तो आपको फायदा मिलेगा। गुरुवार को आपको धारण करना है, बुधवार की रात में आपको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखना है। शनिवार को अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में सरसों के तेल को रख करके आप सो जाइए, अगले दिन उस तेल में उड़द की दाल के गुलगुले बना करके, मुंगौड़ी जिसे कहते हैं वो बना करके कुत्ते और गरीबों को खिलाने से आपके परिवार में जो निर्धनता की स्थिति है, जो गरीबी की स्थिति है वो दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी के आने का रास्ता साफ होता है। इसके अलावा दूसरा एक बहुत सरल उपाय है कि गूलड़ की जड़ को आप कपड़े में लपेट करके चांदी के कवच में डाल करके अपने गले में धारण करें तो इससे भी आपके परिवार में आर्थिक संपन्नता निरंतर बनी रहेगी, आपको आर्थिक कमी का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा।
अपनी तिजोरी में 9 लक्ष्मी कारक कौड़ियों को एक तांबे के सिक्के के साथ रखने से आपकी तिजोरी हमेशा धन से परिपूर्ण रहेगी। आपका घर कभी भी रुपए पैसे से खाली नहीं होगा। दरिद्रता का सामना आपको कभी नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा नियमित रूप से केले के पेड़ में जल अर्पित करने से और खासतौर पर गुरुवार के दिन वहां पर दीपक, एक देसी घी का दीपक जलाने से परिवार की जो भी दुखता है, दरिद्रता है, वो दूर रहती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर निरंतर बनी रहती है। तो ये कुछ ऐसे सरल से उपाय हैं जो हमारे संस्कारों में ही बसे हुए हैं, जिनसे आज हम विमुख हो गए। अगर आप इन उपायों को अपनाते रहेंगे तो आपका जीवन सदैव सुखी और समृद्ध बना रहेगा। जी हाँ, तो पंडित जी बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, लोगों को महा उपाय भी बताया आपने। इसके अलावा ये भी बताया कि दरिद्रता कैसे दूर हो सकती है। इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। हमारी इस पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत।